Hello friends, today topic is small finance bank. Small finance bank क्या होता है कि जो small जो marginal farmer होते थे, labor migrant labor होते थे, जो अभी तक bank का facility avail नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए सरकार ने सोची कि एक नया bank बना दिया जाए जो सिर्फ small finance करेगा, छोटा छोटा कर्ज देगा. तो इसके लिए एक कमेटी गठन की, उस कमेटी का नाम था, उसको लीड की कमेटी को उषा थरोट. ये उषा थरोट ने जो बताया सरकार को, उस हिसाब से बैंक बना. ये भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह ही काम करती है, पर प्राइवेट होती है, पर पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह काम करती है. इसमें जो मिनिमम पेडअप कैपिटल था वो 100 करोड़ रुपीज था, 100 करोड़ रुपया ले गया था. इसमें प्रोमोटर्स होते थे, प्रोमोटर्स क्या करते थे, 40% पूंजी लेके आते थे, और 40% उनका जो पूंजी होता था उनको 10-12 साल तक के लिए रखना पड़ता था. पहले वो 5 साल के लिए लॉक हो जाता था 40%, उसके बाद 30% 10 साल के लिए, और घट के वो कितना हो जाएगा, 26% घट के हो जाएगा वो इन 12 ईयर्स. 12 साल में घट के कितना हो जाएगा, वो 26% हो जाएगा. मतलब प्रोमोटर्स का जो पैसा होता है वो घट जाएगा धीरे धीरे करके. अच्छा, ये तो हो गया हमारा कि प्रोमोटर्स का पैसा. इसमें कैपिटल एडुकेसी रेशियो कितना होता था, तो कैपिटल एडुकेसी रेशियो होता था 15% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट. तो कैपिटल एडुकेसी रेशियो क्या होता है, कोई भी बैंक जब पैसा लगाता है तो उसको कितना रिटर्न आना चाहिए. कैपिटल एडुकेसी रेशियो 15%, तो 100 रुपया लगाएगा तो 115 रुपया उसको वापस आना चाहिए. ये जो भी ब्रांचेस ये खोलते, ये 25% ऐसा जगह ब्रांच खोलेंगे जहाँ पर आज तक बैंक ने दस्तक नहीं दी है. दस्तक नहीं दी मीन्स अभी तक वहाँ पर बैंक के फैसिलिटी नहीं है, और वो लोग बैंक फैसिलिटी से वंचित हैं. तो उनके केस में ये स्मॉल फाइनेंस बैंक वहाँ जाएंगे और ऑपरेट करेंगे और काम करेंगे. और इनकी मेन बात है कि इसमें और भी बहुत सारा रूल एंड रेगुलेशन सब उसको जानना है. टायर वन कैपिटल कितना था इसका, 7.5% मैंने 7.5% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट. टायर टू कैपिटल था जो मैक्सिमम इसका होता था, वो 100% ऑफ टायर वन कैपिटल का लिमिटेड होता था. ये इन बैंक में FDI कितना अलाउ था, इन बैंक में FDI अलाउ था 74%, जैसे सभी बैंकों में अलाउ है. तो ये 74% में 49% तो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू थी, और 26% जो होता है वो गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है. इसमें FDI में जो पैसा डालेंगे वो किस किस तरह से डाल सकते हैं, रेजिडेंस इंडियन में, इंडियन का 26% पैसा जरूर होना है. NRI के लिए 5% होगा, यानी कोई भी NRI यदि इसमें स्मॉल फाइनेंस में पैसा लगाना चाहता है तो 5% वो लगा सकता है. और एग्रीगेट में टोटल NRI कितना लगा देते हैं, सभी टोटल का मिला के 10% एग्रीगेट होना चाहिए. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और FPI फॉरेन प्रोमोटर्स इंस्टीट्यूटर्स, ये क्या करेंगे, प्रमोट इंस्टीट्यूटर्स ये लोग भी पैसा लगाते हैं बैंक में, तो इनका भी लिमिट डिसाइड था. इनका लिमिट है बिलो 10%, मैंने 10% लगा सकते हैं, और एग्रीगेट में लिमिट है 26%, और ये बढ़ के कितना हो सकता है, अभी ये बढ़ाना चाहेगा स्मॉल फाइनेंस बैंक. तो इसके लिए इसको अपने जो मीटिंग करेंगे, गवर्निंग मीटिंग होगा, जो बॉडी होगा, जो एनुअल मीटिंग होगा, जो कॉर्पोरेट डायरेक्टर्स का, वो लोग डिसाइड करेंगे कि इसको 49% तक बढ़ा के किया जा सकता है, मीन्स फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के केस में. NRI में याद रखिए, इंडिविजुअल कोई भी पैसा लगाएगा वो कितना लगा सकता है, 26% रेसिडेंट इंडियन, ठीक है. NRI सिर्फ 5% लगाएंगे, NRI ओनली 5%. जब इनका पूंजी माने जो इनका पेडअप कैपिटल अभी 500 करोड़ रुपया हो जाता है, तो इनको लिस्टिंग करना होता है. लिस्टिंग करेंगे अपने आप को, लिस्टिंग करने के लिए इनके पास सिर्फ 3 साल का होता है, मैंने उनको अपना लिस्टेड करना पड़ेगा शेयर को किस में, जहाँ पर हम लोग का शेयर मार्केट में, इसके लिए इनको 3 साल का समय मिलता है फिर उसके बाद. और इनका क्या होता है, इनका जो मेन टारगेट होता है प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है, जो वो सेक्टर जो आज तक वंचित है, जैसे एग्रीकल्चर में फार्मर्स हो गए, स्मॉल मार्जिन फार्मर हो गए, और ये सब जो कैटेगरीज के इंसान हैं, माइग्रेंट हो गए, वोमेंस हो गए, जिनको हम लोग लोन करते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया हुआ है, ये 75% अपना ANBC मैंने एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट जो होगा उसको कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, ये
देंगे लोन, किसको लोन देंगे, मैक्सिमम प्राइवेट सेक्टर को देंगे 75%। 25% लोन जो देंगे उसमें ऐसे व्यक्ति को लोन देंगे जो 25 लाख से कम हो। 50% जो लोन दिया जाएगा वो 25 लाख से कम लोन को ही इनको देना है, 25 लाख से कम को ही देना है। और इनका क्या है कि अधिक किसी इंडिविजुअल को लोन दे रहे हैं तो 10% दे सकते हैं, अधिक किसी ग्रुप को दे रहे थे 15% तक दे सकते हैं। तो ये केसेस है, ये पेमेंट बैंक से थोड़ा डिफरेंट होता है। पेमेंट बैंक क्या होता था, लोन नहीं करते थे, जैसे वहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक था। यहाँ पर भी जो आ रहे हैं उनका छोटा इसमें कौन कौन सब आ रहे हैं पेमेंट बैंक में, स्मॉल फाइनेंस बैंक में, आपका नाम याद रखना होगा, जैसे है सूर्योदय, जन लक्ष्मी, ये सब जो आए थे, नया लाइसेंस मिला था इसमें से जो जिनको जिनको पहला जो लाइसेंस मिला था उनका नाम था लोकल एरिया में कैपिटल लोकल एरिया बैंक जालंधर का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।